छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नाग अश्विन लेकर आ गए कलकी की कहानी। सो फाइनली लंबे इंतजार खत्म होने के बाद सबका छोटा ना करते हुए, इनफैक्ट यूट्यूबरों का धंधा बढ़ाने, इनफैक्ट फिल्मी इंडियन को कलकी के अंदर पुष्पा एंड रॉकी भाई घुसाने, इनफैक्ट थिएटर के बाहर गर्दी कराने आ गया है फाइनली कलकी मूवी का ट्रेलर। देखो ऐसा है ना कि कलकी मूवी के केस में अब तक जितनी भी चीजें नाग अश्विन ने इंट्रोड्यूस कराए हमसे, वो टॉक ऑफ द टाउन बन ही गया एंड सक्सेस भी रहा। मतलब आप ही लोग नाग अश्विन का विजन सोचो ना, जहां कलकी जैसी एक्सपेरिमेंटल साईफाई फिल्म के अंदर लोगों को वीएफएक्स के बारे में चर्चा करना चाहिए, कमियां निकालनी चाहिए, वहां कलकी इतनी परफेक्शन के साथ नाग अश्विन लेकर आते हैं, जहां हम कमियां ना निकालते हुए रिसर्च करने बैठ गए कि भाई इसके अंदर और क्या क्या होगा, तो इससे बड़ा सक्सेस क्या ही हो सकता है। चलो फाइनली मैंने कलकी का ट्रेलर देख लिया है, अगर इसके ट्रेलर को मैं एक ही लाइन में रिव्यू करूं तो लाइन लगने वाली है थिएटर के बाहर तक सुबह से लेके शाम तक। जैसे पैंट की चैन में नुन्नू फंसने का दर्द कोई भूल नहीं सकता, वैसे इस फिल्म को देखने के बाद कोई भूल नहीं सकता। कलकी ट्रेलर इज अ मेंटल क्लास and this is going to be wild। भाई box office छोड़ो, वो 1500 करोड़ कमा के प्रभास संभाल लेगा, लेकिन लोग हैरान है नाग अश्विन के विजन से कि भाई कोई ऐसा कैसे सोच सकता है यार। राजामौली भी ये ट्रेलर देख लेना तो वो भी कांदामूली खाना छोड़ दे, मार्वल भी देख ले तो वो भी बोल दे कि कोई मर्द आया हमसे टक्कर लेके गांड में पत्थर अटकाने। वो कहते हैं ना कि प्यार करो उसी से जो रोज दे खुशी से, कलकी के ट्रेलर ने हर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही दे दिया। इट्स अ वेरी स्मार्ट का ट्रेलर यार, ट्रेलर वॉज लाइक नोरा फतेही, ना ज्यादा कुछ बताना है ना ज्यादा कुछ छुपाना है। भाई कलकी का ट्रेलर वो लेवल का पोटेंशियल दिखा रहा है, ट्रस्ट में कलकी इज नॉट द फिल्म फ्रॉम इंडियन सिनेमा, कलकी इटसेल्फ इज द न्यू सिनेमा, देख लेना आने वाले टाइम में वो ही होगा। आई मीन ट्रेलर जिस हिसाब से अपना वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करता है, सब कुछ एक्साइटिंग लगते ही रहता है कि लास्ट वाले फ्रेम में कमल हसन आते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो गूज बम्स नहीं गोटी बम्स मोमेंट था, दैट वॉज क्लास। उनको देख लो, फिर अमिताभ बच्चन को देख लो। यार मैं इतने कहूंगा कि इस एज में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, मामूटी, मोहनलाल इतना मेहनत कर रहे ना, तो फिर हम लोगों को जवानी में ये कंप्लेन नहीं देना चाहिए कि भाई हम जॉब लाइफ से परेशान है। वही ट्रेलर के अंदर दीपिका पादुकोण भी बहुत सॉलिड नजर आ रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि दीपिका पादुकोण से ज्यादा हाइप तो बुज्जी की है। यार नाग भाई तुम ऐसा डसोगे तो पति तो घाघरा पहन के घूमेगा ना फिर। बाकी शरद केलकर की आवाज में प्रभास, मतलब बाहुबली वाला क्लास। थैंक यू नाग अश्विन, इस बार कोई चीटिंग होने नहीं दिया। ट्रेलर के अंदर प्रभास कंप्लीटली बीस्ट नजर आ रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन लग रहे, ऐसा लग रहा भटूरे को कागज लपेट दिया हो, इतने मजबूत लग रहे। वही ट्रेलर के अंदर प्रभास का एक सॉलिड डायलॉग सुनने मिलता है कि चेक कर लो, मैंने आज तक कोई फाइट नहीं हारी आदिपुरुष छोड़ के, सॉरी, और ये भी नहीं हारूंगा, दैट वॉज गूज बम्स मोमेंट। देखो ट्रेलर देखने के बाद बात वही है कि भाई साहब सब चीज इतनी परफेक्शन के साथ नजर आ रही है कि हमारा डाउट सीजीआई वीएफएक्स एंड ऑल को लेके कुछ भी नकली फील होता ही नहीं है। ऊपर से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि लोग भले ही कलकी को एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर देखेंगे, लेकिन नाग अश्विन ने यह भी ध्यान दिया कि मैं एंटरटेनमेंट वाला देसी फैक्टर भी पूरा डालूंगा। यार आप अगर वो सीरीज नहीं देखे बुज्जी और भैरव अमेजोन प्राइम पे, उसमें जाकर प्रभास एंड ब्राह्मणादम की एंड बुज्जी की सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री देख लेना, आप समझ जाओ कि फिल्म क्या ताकत लेके आने वाला है। सो ओवरऑल कलकी का ट्रेलर प्रॉमिस करता है दैट दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बॉक्स ऑफिस। ऊपर से प्रभास एक ऐसे परफेक्ट फिल्म को पैन इंडिया पे ला रहे हैं, मतलब सुनामी तो कंफर्म आएगा। प्लस नाग अश्विन का ये विजन देखना बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा कि भाई साहब हम भी कुछ लाते हैं कातिल। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी कर दो कि कौन ढासू लग रहा है ट्रेलर में। एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मैं एक और स्पेशल वीडियो लाता हूं कलकी पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।